तो आज हम अपने उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है नेक्स्ट पार्ट का क्या नाम है बच्चों? नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है एलिमेंट्री कैनाल में इसोफेगस के बाद दैट इज स्टमक। क्या आता है? स्टमक। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? सबसे पहले स्टमक। ठीक है, आज हम कोशिश करेंगे दो टॉपिक कवर करने की, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि बच्चों हम यहाँ पे आपको डिटेल में कराएंगे, एक भी पॉइंट नहीं रहना चाहिए क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं नीट पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टमक क्या है बच्चों? देखो हम लोग, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्टमक नहीं, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं, ये स्टमक नहीं है। दैट इज अ एब्डोमन कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। हमारी बॉडी जो डिवाइड है वो चार रीजन में बेसिकली डिवाइड है, हेड रीजन, नेक रीजन, थोरेसिक रीजन और एब्डोमन रीजन। ठीक है ना, स्टमक जो है बेसिकली मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं, इट इज अ जे शेप वाइड मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, जो हमारा स्टमक है वो क्या है? जे शेप है, मस्कुलर है, चौड़ा है और सैक लाइक एक थैले की तरह हमारा क्या है? स्ट्रक्चर है। और अच्छे से आप पढ़ना चाहो तो आप बोल सकते हो इट इज ओब्लिकली प्लेस्ड। ओब्लिकली मतलब तिरछा है, ये तिरछा रखा हुआ है, टेढ़ा रखा हुआ है, सीधा नहीं है। ठीक है, मैं भी आपको बना करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ओब्लिकली प्लेस्ड। सर कहां पर? बच्चों आपको याद रखना है कि स्टमक जो है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, लेकिन ओब्लिकली रखा हुआ है, टेढ़ा तिरछा रखा हुआ है। ठीक है ना, कहां पर? लेफ्ट साइड इन अपर क्वाड्रेंट। सर ये अपर क्वाड्रेंट क्या होता है? अभी मैं बताता हूं। लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, लेफ्ट साइड इन अपर क्वाड्रेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नया वर्ड होगा आपके लिए, अपर क्वाड्रेंट। अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये समझना है बच्चों अपर क्वाड्रेंट बोलते किसे, और ऊपर से मैंने लेफ्ट साइड बोल दिया। ठीक है ना, ये आपको समझना है, ये मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, तो पहले एक एक चीज देखिए, यहां से लेकर के और यहां तक एक ही बॉडी का पोर्शन आपको नजर आता है, लेकिन बीच में क्या है? एक डायफ्राम है, मसल का बना हुआ एक फ्लैप है जिसने इन इस पोर्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ठीक है ना, क्लियर है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है डायफ्राम से ऊपर का पार्ट, दैट इज द थोरेसिक रीजन, और डायफ्राम से नीचे का पार्ट दैट इज द एब्डोमिनल। ठीक है ना, तो बेसिकली एक कमरे की तरह बन गया कौन हमारा? एब्डोमन। कौन बन गया? एब्डोमिनल कैविटी और एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, अब मान के चलो कि ये जो बोर्ड है हमारा पूरा, ये बोर्ड है, ये इसकी वॉल्स है सारी। ठीक है ना, अब ये जो बीच का एरिया है ये एब्डोमिनल कैविटी है जहां पर हम लिखते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो मैं अगर इसको हाफली देखूं तो ये कौन है? राइट पोर्शन है, ये कौन है? लेफ्ट पोर्शन है। ठीक है, और राइट और लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट का अपर पार्ट है, ये लेफ्ट का लोअर पार्ट है, ये लेफ्ट का सॉरी राइट का अपर पार्ट है और ये कौन है? लोअर पार्ट। यानी कि चार पार्टों में हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो चौथे पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो हमने कहा कि जो लेफ्ट साइड है, देखिए हम ऐसे खड़े हैं, इस तरह से खड़े हैं। ठीक है, और ये मेरी एब्डोमिनल कैविटी है। तो स्टमक जो है बच्चों कहां प्रेजेंट है हमारा? स्टमक जो है लेफ्ट साइड पे ऊपर की साइड से स्टार्ट होता है। ठीक है, और कहां जाता है? ओब्लिकली रखा हुआ है इस तरह से, अब मैं डायग्राम बनाऊंगा, इस तरह से तिरछा राइट साइड की तरफ को मूव करता है। ठीक है ना, कर्व आता है इसमें। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि स्टमक जो है अपर पार्ट पर लेस कर्व शो करता है और लोअर पार्ट पर ज्यादा कर्वेचर शो करता है। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है स्टमक के। ठीक है,
बच्चों पहले बताओ आवाज क्लियर है मेरी आपको, क्योंकि आज हम माइक नहीं यूज कर रहे, आवाज क्लियर है? यस और नो? चलिए आवाज क्लियर होनी चाहिए बच्चों, ठीक है क्लियर। तो अब हम मैं आपको एक बार डायग्राम बना करके दिखाता हूं स्टमक का, उसके बाद मैं पॉइंट्स बताऊंगा और आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, ये हमारे पास ऊपर से कौन आई, ये ऊपर से आई इसोफेगस। इसोफेगस हल्की सी कर्व लेती है इस साइड पे, लेफ्ट साइड पढ़ाया था हमने लास्ट टाइम, ठीक है। इसोफेगस आ गई, इसोफेगस से हमारा हुआ स्टार्ट स्टमक, ठीक है। ये लीजिए, ठीक है क्लियर हो गया, दैट इज स्टमक। तो ये जे शेप ऑर्गन हो गया हमारा, क्या हो गया, जे शेप हमारा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके दो अपर्चर हैं, कौन से, एक ये रहा जिससे कि ये इसोफेगस से जुड़ा, और एक ये रहा जिससे ये किससे जुड़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से। और स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, ड्यूडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम, ठीक है क्लियर हो गया। मैं पहले आपको समझा देता हूं, फिर आप मेरे साथ मैं बोलता रहूंगा, आप लिख लेना या रिकॉर्डिंग में से भी आप उसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये देखिए तीसरा है ना, तो ये कौन है, ये लेफ्ट क्वाड्रेंट है, ये राइट साइड में मूव कर गया है, और ये यहां पर कौन है, डायाफ्राम। समझ आया बच्चों आपको, ये कौन है, डायाफ्राम, बिल्कुल डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे ये प्रेजेंट। समझ आया, क्लियर हो गया। अच्छा इसका अगर हम डायमेंशन लिखे तो क्या है, लिखे मेरे साथ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर जो है बच्चों ये क्या है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 15 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है बच्चों क्लियर। ये सिंपली मैंने एक पॉइंट आपको एक्स्ट्रा बताया, और आप क्या नोट करिए नेक्स्ट पॉइंट, कि सर ये कर्व शो करता है, स्टमक शो कर्व कैसे, सर लिखो मेरे साथ साथ लिखो, ग्रेटर कर्वेचर एट लोअर साइड, क्योंकि ये ज्यादा कर्व लेता है यहां से, ठीक है ना, ये जो कर्व है इसका ये थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, ज्यादा कर्व किस साइड होता है, इसका नीचे की साइड, इस तरह से, ठीक है ना। ये मैंने क्यों बनाया, पहले वाला बिल्कुल सही बना हुआ था, ये मैंने क्यों बनाया ऐसे, क्योंकि आगे आपको मैं बताऊंगा कि जो पाइलोरिक रीजन होता है स्टमक का, लास्ट वाला रीजन होता है, वो क्या करता है, स्टमक का जो लास्ट वाला रीजन होता है वो कैनाल, एक छोटी सी पाइप सी बना देता है, पाइलोरिक कैनाल जिसे बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेटर कर्व शोज बाय द लोअर रीजन एंड स्मॉल कर्वेचर शोन बाय द अपर रीजन। समझ आया, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करेंगे स्टमक के पार्ट्स। देखो हमने पूरे स्टमक को चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ, कौन कौन से हैं वो, नंबर वन फंडिक पोर्शन, नंबर वन फंडिक या फंडस जिसे आप, ये बात ठीक है ना। नंबर टू, नंबर टू है बच्चों कार्डियक, ये बात समझ आया, या आप इस तरह से शो कर सकते हैं, फंडस दैट इज कार्डियक, ठीक है। ये क्या है बच्चों, बॉडी, और ये लास्ट वाला पोर्शन क्या है, पाइलोरिक रीजन, लास्ट वाला पोर्शन क्या है, पाइलोरिक। चलिए मैं आपके साथ लेबलिंग करता हूं, दैट इज द फंडस, दैट इज कार्डियक, दिस इज द बॉडी, ठीक है, एंड दैट इज द पाइलोरस, इसे पाइलोरस भी बोलते हैं, याद रखना, कहीं पर पाइलोरस के नाम से आ जाए तो बच्चों कंफ्यूज मत होना, क्लियर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टर्म याद रखनी है दो तीन, देखो वैसे तो इसे कार्डियक अपर्चर बोलते हैं, यहां पर ये छेद है ना, इसे कार्डियक अपर्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्डियक अपर्चर, अपर्चर माने छेद, ठीक है, लेकिन
ये इसोफेगस है और ये गैस्ट्रिक है, क्योंकि स्टमक का नाम क्या होता है? गैस्ट्रिक। इसीलिए इस अपर्चर को गैस्ट्रो इसोफेजियल अपर्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो माने स्टमक, इसोफेजियल माने इसोफेगस, ठीक है ना। इनका अपर्चर भी इसे बोलते हैं, समझ आया। उसके बाद बच्चों इस अपर्चर पर यहां पर क्या होती है, एक वॉल्व लगी होती है या स्फिंक्टर लगा होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? कार्डियक, मैं लिख रहा हूं, दिस इज द कार्डियक स्फिंक्टर। समझ आया बच्चों? क्लियर हो गया? इसे बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। अब ये क्या करता है, देखिए खाना यहां से आएगा बोलस की फॉर्म में, बोलस की फॉर्म में आकर के कहां आ जाएगा? स्टमक के अंदर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टमक के अंदर जो खाना आ जाता है वो बैकफ्लो नहीं कर पाता, किसकी हेल्प से? क्योंकि जो वाल्व है, स्फिंक्टर है, ये बंद हो जाता है और ये खाने को, फूड को वापस बैकफ्लो से रोकता है। कहां से कहां? फ्रॉम स्टमक टू द इंटेस्टाइन, सॉरी इसोफेगस, समझ आया, उसको रोकता है। लेकिन आप एक पॉइंट नोट करेंगे बच्चों, इन चिल्ड्रन जो ये कार्डियक स्फिंक्टर है ये फुली डेवलप नहीं होता, ठीक है ना, यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इसीलिए बच्चों के अंदर वॉमिटिंग का होना, डिग्लुटेशन का होना, यानी कि फूड का वापस निकलना, दूध निकालते रहते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो दूध निकालते रहते हैं, फटा हुआ दूध सब पीने के जस्ट बाद ही निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये जो स्फिंक्टर होता है ना, ये वेल डेवलप नहीं होता, और जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं ये स्ट्रॉन्ग पावरफुल अपना एक्यूरेट वर्क परफॉर्म करने लग जाता है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए, तो ये आपने देखा यहाँ पे। उसके बाद ये है बच्चों पाइलोरिक रीजन, ये है पोटी, ये है फंडिक पोर्शन, ठीक है ना। तो ये जो अपर्चर है यहाँ पर, जो किसको कम्युनिकेट करता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपर्चर। अब इसे हम क्या कहेंगे, क्योंकि गैस्ट्रो माने स्टमक और इंटेस्टाइन माने इंटेस्टाइन, है ना। तो ये छेद क्या हुआ, इसका नाम क्या हुआ? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपर्चर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपर्चर है, इसका दूसरा नाम क्या है? पाइलोरिक अपर्चर। क्यों? क्योंकि ये स्टमक के पाइलोरिक रीजन में है, सही है ना। और यहां पर भी एक वॉल प्रेजेंट होती है, यहां पर देखिए, यहां पे ये वाली या स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जिसको मैं कह सकता हूं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्फिंक्टर या दूसरा नाम क्या है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या नाम है? पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये क्या करेगा, जो फूड यहां से डाइजेस्ट होकर के कहां चला जाएगा? इंटेस्टाइन में चला जाएगा, उसकी बैक फ्लो को रोकेगा। समझ आ गया आपको? क्लियर हो गया। तो ये कुछ पार्ट थे हमने जो पढ़ने थे, सिंपल मैंने जो पॉइंट आपको बताए, ठीक है। चलिए अब आप कॉमन सा मेरे साथ लिखेंगे क्या क्या पॉइंट है। अगर मैं बात करूं किसकी, हमारे स्टमक की, अगर मैं बात करूं स्टमक की, तो स्टमक क्या है? एक टेम्परेरी स्टोरेज ऑर्गन है जो फूड को स्टोर करता है। कितने टाइम तक? बेसिकली आपने पढ़ा है स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोर करता है फूड को, टेम्परेरी स्टोर फूड फॉर 4 to 6 hours, 4 to 6 hours तक ये फूड को स्टोर करने का काम करता है। लेकिन नो डाउट डाइजेशन भी करता है, पार्शियल डाइजेशन भी करता है, वो हम फंक्शन में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो अगर मैं इसको और अच्छे से आपको बताऊं बच्चों, आज छोटी क्लासेस में आपने यही पढ़ा है, लेकिन आपने याद रखना है किस तरह से, कि सर क्या 4 to 6 hours सारा फूड इसके अंदर रहता है? नहीं बच्चों, डिपेंड करता है फूड की टाइप क्या है, डिपेंड क्या करता है फूड की टाइप कौन सी है, समझ आया। अगर सपोज कीजिए कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, प्रोटीन रिच फूड है, या फैट रिच फूड है, या फिर फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन, फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन है, फूड के अंदर जो प्रोटीन का पोर्शन है, वो देखिए, अगर सपोज कीजिए कार्बोहाइड्रेट है फूड के अंदर, कार्बोहाइड्रेट वो बच्चों 1 to 2 hours तक स्टमक के अंदर स्टोर, ठीक है, क्लियर। अगर हम बात करें प्रोटीनिशियस फूड की, प्रोटीन जो है
प्रोटीन वो स्टमक के अंदर बच्चों 3 घंटे तक आप यहाँ पे पूरा करेंगे तक फूड के अंदर स्टोर रहते हैं। और अगर हम बात करें फैट की, ठीक है ना, फैट्स जो होते हैं वो 6 घंटे तक हमारे फूड के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर रहते हैं। समझ आया? यानी कि इससे मुझे ये भी पता चला कि अगली बार जब मैं खाना खाऊंगा तो हो सकता है कि पीछे फूड वाला, पहले फूड वाला फैट जो है वो मेरे स्टमक के अंदर प्रेजेंट हो। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये देखा कि ये जो हमारा स्टमक है ये एक मस्कुलर सैक है। अभी हमने पढ़ा स्टमक इज ऑल्सो कॉल्ड एज मस्कुलर सैक, है ना, थैले की तरह है। ठीक है, चलिए अब इसे भी कंसीडर करेंगे। अभी तो जो मसल्स हैं बेसिकली जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है जिसे हम गट बोलते हैं, ठीक है ना, उसके सारे के अंदर क्या होता है, वो सारी की सारी 4 लेयर से बनी होती है जिसे मैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के टॉपिक में पढ़ाऊंगा एलिमेंट्री कैनाल खत्म होते ही। ठीक है, चलिए तो वो सारी की सारी 4 लेयर से बनी होती है। यानी कि बेसिकली अगर मैं ये स्टमक आपको बना के दिखाऊं ना, यहाँ पे बेसिकली ये देखिए यहाँ पे, अगर ये हमारा स्टमक, ठीक है बच्चों, मान लिया कि ये हमारा स्टमक, तो ये इतनी तो स्टमक की लेयर्स ही है। ये देखो ये स्टमक की खुद की वॉल हो गई ना, ये लो, ठीक है ना। तो ये जो वॉल है अगर मैं इसको काट लूं, ये पोर्शन मैंने काट लिया, ये पोर्शन मैंने काट लिया, और इस पोर्शन को मैं काट के आपको यहां बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये लो मैंने ये पोर्शन काटा, ठीक है, क्लियर। तो ये पोर्शन जब मैंने काटा तो मैंने देखा कि इसके अंदर 4 लेयर हैं, इसी के अकॉर्डिंग बनाते ये काट लिया बच्चे, ठीक है, क्लियर है। तो जब हमने इसको अच्छे से एग्जामिन किया तो हमें पता चला कि इसके अंदर 4 लेयर हैं। सबसे बाहर वाली लेयर है सिरोसा, सेकंड जो है हमारी दैट इज द मस्कुलरिस, सेकंड कौन सी है, मस्कुलरिस यानी कि मसल्स की बनी हुई, ठीक है, थर्ड कौन सी है, सब म्यूकोसा, और फोर्थ कौन सी है, और यह है ल्यूमन, ल्यूमन माने अंदर की खाली जगह, ठीक है। देखो 4 लेयर हो गए ना, वन ये कौन है सिरोसा, ये कौन है मस्कुलरिस, ये कौन है बच्चों सब म्यूकोसा, और ये कौन सी है म्यूकोसा, ठीक है। ये 4 लेयर है बच्चों हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, लेकिन हम बात करेंगे केवल मसल की, ठीक है। पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मसल की जो लेयर है, अब मान लीजिए मैंने ये मसल की लेयर बना दी, तो ये मसल की लेयर बना, ये इसमें से भी मैंने मस्कुलर की लेयर निकाल ली, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है बच्चों एनसीईआरटी में या आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं आपको उसको अच्छे से समझा रहा हूं। तो इस मसल की लेयर के अंदर 2 तरह की मसल प्रेजेंट है, ठीक है ना, कौन कौन सी मसल प्रेजेंट है, एक है बच्चों हमारी लॉन्गिट्यूडनल मसल और एक है हमारी सर्कुलर, ठीक है ना। ये देखो लॉन्गिट्यूडनल मसल हमेशा बाहर की साइड होती है, ये आउटर है ना, यानी कि ये सिरोसा है इसका मतलब, और ये कौन है सब म्यूकोसा, ठीक है ना, ये लो। तो ये हो गई हमारी लॉन्गिट्यूडनल मसल, अरे सर आपने तो सर्कुलर बना दिया, ये तो लॉन्गिट्यूडनल बोल रहे हो आप, तो नहीं बच्चों ठीक बोल रहा हूं मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये है बच्चों सर्कुलर मसल, चलिए ऐसे ही बनाते, सारी की सारी इंटेस्टाइन में ये पैटर्न होता है, ठीक है। ये आपको ऐसे दिख रही है क्योंकि देखो अगर बच्चों ये अगर एक लेयर है, मान लीजिए मेरा हाथ एक लेयर है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल ऐसे लगी हुई है, अगर हम इसको काट के देखेंगे तो ऊपर से तो देखो हमें केवल ये गोल दिखाई देगी ना, लेकिन ये गोल नहीं है ना, ये तो छड़ की तरह लंबी है ना, डाइसेक्शन में हमें गोल दिखाई देती है, ठीक है ना। बेसिकली आउटर की तरफ कौन होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है LML लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर, और अंदर की साइड पे CML
सर्कुलर मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होती है, लेकिन बच्चों स्टमक के अंदर क्या होता है, एक एडिशनल लेयर भी प्रेजेंट होती है मसल की, यानी कि सारी इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर दो तरह की लेयर प्रेजेंट होती है, लेकिन स्टमक के अंदर तीन तरह की लेयर प्रेजेंट होती है। कौन सी, अभी बताता हूं, ओब्लीक मसल, जी मैं जो ब्लैक कलर से था, आप समझ आया? तो आप स्टमक पे एक अगला पॉइंट लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे OML, ओब्लीक मस्कुलर लेयर, समझ आया? अब LML क्या होती है, आउटर, ये मिडल और ये इनर। क्वेश्चन क्या बनेगा, पॉइंट क्या बनेगा, इन द मस्कुलर लेयर ऑफ स्टमक एंड एडिशनल लेयर ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट एंड दीज मसल्स आर ऑफ ओब्लीकली प्रेजेंट, दीज मसल्स आर ओब्लीकली प्रेजेंट, सो दिस इज कॉल्ड एज ओब्लीक मस्कुलर लेयर, तिरछी होती है। आप कोई पूछ ले क्यों होती है, क्योंकि बच्चों जो स्टमक है वो टेम्परेरी स्टोरेज तो करता ही है फूड की, लेकिन साथ साथ मैकेनिकल डाइजेशन में भी हेल्प करता है। अब मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है, जिसमें फूड को तोड़ने के लिए केमिकल यूज ना हो उसे मैकेनिकल बोलते हैं, जैसे कि अगर ये स्टमक है पाउच, तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, जिससे कि फूड की डाइजेशन भी होती है और गैस्ट्रिक जूस जो है वो बहुत अच्छे से फूड के अंदर मिक्स हो जाता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं चर्निंग, क्या बोलते हैं, चर्निंग, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए स्टमक को क्या चाहिए होता है, ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, क्योंकि स्टमक एक बड़ा थिल्ला है ना, है ना, इसीलिए, तो इसीलिए उसके पास एक लेयर जो होती है मसल की वो एडिशनल होती है, एक्स्ट्रा होती है, समझ आया, क्लियर हो गया। यानी कि स्टमक के अंदर तीन लेयर होती है, कौन कौन सी, लिखो मेरे साथ, आउटर, पैरो लगाओ, लिखो लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर, मिडल सर्कुलर मस्कुलर लेयर एंड इनर कौन सी है, ऑब्लीक मस्कुलर लेयर, समझ आया बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे, फिर उसके बाद आप लिखेंगे पार्ट्स ऑफ स्टमक, हेडिंग बनाओ मेरे साथ, पार्ट्स ऑफ स्टमक, मैं बोल रहा हूं आप फटाफट से लिखेंगे, नंबर वन कार्डियक पार्ट, ठीक है, लिखो फटाफट से, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक, या उसके कोमा लगा के लिखिए, लेफ्ट अपर पार्ट, क्या है ये, लेफ्ट अपर पार्ट है, ठीक है, दैट कम्युनिकेट विद द इसोफेगस। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर एक अपर्चर है, लिखिए अपर्चर, एरो लगाओ सीधा, लिखो कार्डियक अपर्चर, सिंपल 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 पॉइंट लिखो बच्चों, लाइनें अपने आप बनती चलेंगी, यहां पर अपर्चर है, दैट इज द कार्डियक अपर्चर, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो स्फिंक्टर, कौन सा स्फिंक्टर है, कार्डियक स्फिंक्टर, क्या करता है, प्रेवेंट बैक फ्लो ऑफ द फूड फ्रॉम स्टमक टू द इसोफेगस, सिंपल बात, ठीक है बच्चों, अपनी स्टडी को सिंपल से सिंपल बनाओ, बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द फंडस, फंडस के बारे में लिखो, या फंडिक, स्मॉल डोम लाइक अपर पार्ट, या स्मॉल डोम लाइक एंड इट इज प्रेजेंट अपर साइड ऑफ द कार्डियक स्टमक, कहां मिलता है, छोटा है, डोम की तरह है, पतीले की तरह है, और कहां मिलता है, अपर रीजन में मिलता है, किसके, कार्डियक स्टमक के। थर्ड पार्ट, देखो थर्ड, दैट इज बॉडी, थर्ड पार्ट क्या है, बॉडी, बॉडी क्या है, लिखो इट इज द मिडल मेन रीजन ऑफ स्टमक, सिंपल सी बात, इट इज द मिडल एंड मेन रीजन ऑफ स्टमक, ठीक है। लास्ट पाइलोरिक, लास्ट रीजन क्या है, पाइलोरिक, इट इज अ नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो कॉल्ड एज पाइलोरस कैनाल, ठीक है ना, थोड़ा पतला सा हो जाता है पीछे आकर के, जिसे हम पाइलोरस कैनाल बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज प्रेजेंट इन राइट साइड, देखो ये लेफ्ट में था, अब ये राइट में आ चुका है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, देखो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ये क्या है, राइट अपर क्वाड्रेंट, तो ये क्या होगा,
मतलब राइट लोअर यहाँ होगा लेकिन इतनी इधर नहीं आता, नो डाउट यहीं तक रह जाता है लेकिन राइट पोर्शन में आ जाता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। नैरो है, लोअर पार्ट है और यहां पर भी एक अपर्चर है जिसका नाम है पाइलोरिक अपर्चर। नेक्स्ट पॉइंट स्फिंक्टर, कौन सा स्फिंक्टर प्रेजेंट है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या करता है, बैक फ्लो को रोकता है, कहां से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसमें स्टमक में वापस खून को नहीं आने देता। समझ आ गया बच्चों आपको यहां तक, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बच्चों कि आपने अंडर लेयर पढ़ी थी सबसे अंदर वाली म्यूकोसा, ये म्यूकस की लेयर होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, क्या लिखेंगे, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की जो अंदर की लाइन होती है वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है, लिखो, इन एट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक गैस्ट्रिक रूब्स आर प्रेजेंट। क्या होते हैं, एक वर्ड लिखे, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक कहीं भी आ जाए बच्चों दैट इज द स्टमक, ठीक है ना। रूब्स, आर लिखे मेरे साथ, आर यू जी ए ई, ये क्या होते हैं, देखो बच्चों क्या होता है कि मान लीजिए स्टमक की इनर लेयर, ये मैंने काट दिया स्टमक को, ये इनर लेयर, इसके अंदर जो इनर लेयर है यहां पर इस तरह से ट्रांसवर्स फोल्ड होते हैं, क्या होते हैं, फोल्ड। इन फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, इन फोल्ड्स को कहा जाता है गैस्ट्रिक रूट्स। फायदा क्या है शरीर का बच्चों, आपने वो देखा है गर्ल्स की जो चुन्नी होती है, चुन्नी, लेडीज की जो चुन्नी होती है वो कंधे पर आकर बड़ी पतली सी हो जाती है यहाँ पर, है ना, लेकिन जब उसको हम खोलेंगे तो वो बहुत चौड़ी हो जाती है। अगर हम यहां से उतार के उसे खोलें तो क्या वो इतनी सी है, वो इतनी है ना, है ना। ठीक उसी तरह, यानी कि उसको बड़ी चीज को छोटा बना दिया किसने, फोल्ड ने। ठीक उसी तरह स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसके ऊपर फोल्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, फोल्ड्स, ठीक है। जो फोल्ड क्या करते हैं, जरूरत के टाइम पर स्टमक का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, कैसे, देखो अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कर्टेन कैमरे में, ठीक है, ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा बोली, ये देखो, ये ना, ये देखो, दिखाई दे रहा आपको, ये कर्टेन है, ठीक है। अब ये फोल्ड है, ये फोल्डेड है, ये एक एक जो फोल्ड है ना, ये वाला, ये एक एक फोल्ड, ये एक एक गैस्ट्रिक रूब है। इसका क्या फायदा होगा, जब मैं इसको, अगर मान लो मैंने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद थोड़ा सा और खाना खाना चाहता हूँ तो क्या होगा, ये एक फोल्ड खुल जाएगा, ये खुल गया, तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, देखो स्टमक का एरिया कितना बढ़ गया। और ज्यादा खाना खाऊंगा तो ये भी खुल जाएगा, खुल गया ना, और खाऊंगा तो ये भी खुल जाएगा, और एक टाइम आएगा ये पूरा खुल जाएगा, फिर ये और नहीं खुल सकता, फिर हम कहेंगे बस भाई अब तो पेट फट ही जाएगा, समझ आया। यानी कि रूब्स का काम क्या होता है, गैस्ट्रिक रूब्स का काम होता है बच्चों कि वो हमारे स्टमक का जो है टोटल सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है, समझ आ गया आपको, क्लियर हो गया। फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम थोड़ा सा ज्यादा खाना खाते हैं तो एक फोल्ड खुलता है, फिर खुलता है, फिर खुलता है, टाइम अचानक सारे खुल जाएंगे तो अब स्टमक कहेगा बस भाई अब फुल हो गया और नहीं, समझ आया। गैस्ट्रिक रूब्स क्या होते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है, चल ये भी आपको हो गया। उसके बाद बच्चों आपको एक बात याद रखनी है कि जो स्टमक के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक है ना, वो कितने पीएच पे होता है, या आप कह सकते हो कि स्टमक के अंदर पीएच क्या होता है, ठीक है ना, स्टमक के अंदर पीएच कितना होता है बच्चों, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 1.8, अगर आंसर आए ऑप्शन के अंदर लिखा हो 1.8 तो आपको 1.8 टिक करना है, क्योंकि हम फिर चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो स्टमक का जो हमारा होता है 1.5 से लेकर 2.5 तक पीएच होता है, लेकिन दोनों ही पीएच हाईली एसिडिक है, दोनों ही, ठीक है ना। ये वहां पे एवरेज दिया हुआ है कि स्टमक जो है कितने पे, 1.8 पीएच पे वर्क करता है। बेसिकली स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो 1.8 पीएच पे क्या करते हैं, बिल्कुल मैं रिपीट करता हूं, जो स्टमक है उसके अंदर जो फूड डाइजेस्ट होता है, देखिए कोई पूछ ले के बताओ स्टमक के अंदर जो फूड डाइजेस्ट होता है वो कितने पीएच पे होता है, तो 1.8। कोई पूछ ले स्टमक के अंदर पीएच कितना होता है, तो 1.8।
कोई पूछ ले बताओ HCl ने स्टमक के अंदर कितना पीएच मेंटेन करवाया जिससे के फूड डाइजेस्ट हुआ या प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ। एक ही बात है क्योंकि स्टमक के अंदर केवल प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, तो उसका आंसर क्या है 1.8, क्योंकि HCl ही पीएच बनवाता है। आपको ये याद रखना है कि स्टमक के अंदर जो पीएच होता है वो 1.8 होता है, ठीक है। और इस साथ एक पॉइंट और ऐड कर लेना, क्या अब 1.8 है तो हो सकता है वो हाईली एसिडिक पूछ ले, तो आपने आंसर क्या देना है कि बिल्कुल सर स्टमक के अंदर हाईली एसिडिक पीएच होता है। समझ आया? ठीक है ठीक है। हाँ अफेक्टिव ये भी आ सकता है कि स्टमक के जो एंजाइम्स हैं जैसे पेप्सिनोजन है, पेप्सिन है और बच्चों के अंदर रेनिन है, वो कितने पीएच पे एक्टिव होते हैं या फिजियोलॉजिकली एक्टिव कितने पीएच पे होते हैं, तो फिर भी 1.8, ठीक है ना। वो तो आपके ऊपर है कि एग्जामिनर कैसे अपने क्वेश्चन को देगा और आप कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो ये था बच्चों स्टमक के बारे में। अब हमारा लास्ट पॉइंट रह गया स्टमक के लिए, वो क्या रह गया, फंक्शन ऑफ स्टमक, ठीक है ना। बेसिकली मुझे कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी हेडिंग बनाओ बच्चों फंक्शंस ऑफ स्टमक, ठीक है। चलो नंबर वन, फंक्शन ऑफ स्टमक, ठीक है। पहला पॉइंट फर्स्ट क्या है, लिखो मेरे साथ, इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड। तो पहला तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा जो हमारा फंक्शन है दैट इज द मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड या मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड, लिखो पहले आप, कि स्टमक क्या करता है मैकेनिकली फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है, मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। और मैकेनिकल डाइजेशन जो स्टमक में होती है उसको बोलते हैं चर्निंग, क्योंकि बच्चों इस हर जगह अलग अलग होती है, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना, दैट इज चर्निंग, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज द पार्शियल डाइजेशन करवाता है फूड की, जैसे कि आपको पता है कि प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है लेकिन कंप्लीट नहीं करवाता, तो पार्शियल डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड। बेसिकली कोई पूछ ले तो प्रोटीन, प्रोटीन स्टमक में टूटता है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट टूटता, ना फैट टूटता, ना न्यूक्लिक एसिड टूटता, कौन टूटता है, प्रोटीन टूटता, वो भी कंप्लीटली नहीं टूटता, ठीक है ना। नेक्स्ट है कुछ हॉर्मोन की सिक्रीशन भी करवाता है, सिक्रीट हॉर्मोन्स, कौन सा, गैस्ट्रिन हॉर्मोन, कौन सा, गैस्ट्रिन। और अगर बच्चों कोई आपसे पूछ ले, बेसिकली ये डाइजेशन में मैं आपको कराऊंगा, अगर कोई आपसे पूछ ले बताओ स्टमक की एक्टिविटी को इनिशिएट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो आपका आंसर होगा गैस्ट्रिन, क्या होगा, गैस्ट्रिन आंसर होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन लिखेंगे आप, उसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या लिखेंगे, ये बच्चों ये सिक्रीट करता है किसको, कैसले फैक्टर पहले, चलो ठीक पहले कर, सिक्रीट एक इंट्रिंसिक फैक्टर पढ़ा होगा आपने, अगर आपने बुक में से पढ़ा है तो लिखो स्टमक ऑल्सो सिक्रीट कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कौन करता है ये भी बताऊंगा अभी, जो ये कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर है ये क्या होता है सर, ये फैक्टर जो है ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। आप लिखो पूरा लाइन, पूरी लाइन, स्टमक ऑल्सो सिक्रीट कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर एंड दिस इज, एंड दिस फैक्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ
विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन बी ट्वेल्व का नाम क्या होता है? साइनोकोबेलामिन, ठीक है ना। विटामिन बी ट्वेल्व की, विटामिन बी ट्वेल्व की एब्जॉर्प्शन करवाता है किससे? किससे? फूड से, ठीक है ना। ब्लड इसके थ्रू ही कर सकता है। और सर ये क्यों जरूरी होता है, इसका फंक्शन लिखो। हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसी बनती है वो बिना विटामिन बी ट्वेल्व के नहीं बन सकती। और अगर विटामिन बी ट्वेल्व नहीं होगा, आरबीसी नहीं बनेगी, आरबीसी नहीं बनेगी तो हमें एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया क्या होता है? क्या होता है? लॉस ऑफ ब्लड होता है बच्चों। एनीमिया 7 तरह का होता है, 7 तरह से एनीमिया हो सकता है, जिसका एक रीजन ये भी है, ठीक है ना। जब डिजीज आएंगी तब वहां पे कराऊंगा, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है कि इट ऑल्सो सीक्रेट कैसला इंट्रिंसिक फैक्टर एंड दिस फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व एंड विटामिन बी ट्वेल्व इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। समझ आया? रेड ब्लड सेल्स, ठीक है बच्चों। चलिए अब जो नेक्स्ट फंक्शन है इसका 6, सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, जो डाइजेशन में हेल्प करेगा ऑब्वियस। सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। अब गैस्ट्रिक जूस बच्चों एक चीज तो है, गैस्ट्रिक जूस तो 3 ग्लैंड की सीक्रेशन का मिक्सचर है। इसीलिए हम अब एक पॉइंट पढ़ेंगे कि गैस्ट्रिक जूस कौन कौन सी सेल सीक्रेट करती है, ठीक है ना। समझ आया? तो ये थे फंक्शन। अब एक फंक्शन को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि डाइजेशन में मेन रोल उसी का है, इसीलिए पढ़ेंगे, ठीक है। चल तो अब मैं बात करूंगा किसकी? गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक माने स्टमक, जूस माने उसका फ्लूइड का मिक्सचर जो वो सिक्रीट करता है, दैट इज द गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अब गैस्ट्रिक जूस जो है, स्टमक के पास 3 अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ सेल, जिनके मिक्सचर जब मिल जाते हैं तब उसे क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। आप सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं, द मिक्सचर और जूस दैट इज सिक्रीटेड बाय द स्टमक for the digestion purpose is called as gastric juice. ऐसे बोल सकते हैं, सिंपल। अरे भाई, जो जूस स्टमक ने सिक्रीट किया डाइजेशन के लिए उसे गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। सही बात है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब ये जूस जो सिक्रीट होता है, ये 3 टाइप्स की सेल होती है, 3 टाइप्स ऑफ सेल, ऑफ सेल्स सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। 3 टाइप की जो सेल है वो क्या करती है? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है। कौन कौन सी? नंबर वन पेप्टिक सेल और चीफ सेल। नाम क्या है? पेप्टिक, PEPTIC, पेप्टिक सेल्स। और दूसरा नाम क्या है इसी का? चीफ सेल। चीफ, चीफ मतलब मेजर सेल, चीफ सेल। इनका एक नाम और है बच्चों, वैसे अगर आपने लिखना हो तो, दैट इज द जाइमोजेनिक सेल, ZYMOGENIC, जाइमोजेनिक सेल, तीसरा नाम, ठीक है। मैं भी बताऊंगा ये क्या करती है। सेकंड जो टाइप है हमारे सेल की, सिक्रेटरी सेल की, उसका नाम है ऑक्सेंटिक सेल, OXYN, ऑक्सेंटिक सेल, ऑक्सेंटिक। और इसी का दूसरा नाम होता है पेराइटल सेल। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? पेराइटल सेल, PARIETAL, पेराइटल सेल। तो हो गई बच्चों। और जो थर्ड हमारी सेल है उसका नाम क्या है? थर्ड जो हमारी सेल है उसे बोलते हैं म्यूकस नेक सेल और गोबलेट सेल। ठीक है बच्चों, तो ये 3 सेल हो गई। सर अब आप इनके फंक्शन बताइए, ठीक है बच्चों। आपके माइंड में सीधा जाना चाहिए, अगर कोई पूछ ले कि सर पेप्टिक सेल और चीफ सेल क्या सिक्रीट करती हैं,
सर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो स्टमक के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो कौन सिक्रीट करती हैं? पेप्टिक सेल और चीफ सेल सिक्रीट करती है, यानी कि मैं लिख रहा हूं एंजाइम्स, आप लिखेंगे सिक्रीट एंजाइम्स। और एंजाइम्स जो है बच्चों वो दो होते हैं, बच्चों के अंदर रेनिन लिखेंगे आप, रेनिन इन चिल्ड्रन, और जब बड़े हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, बेसिकली रेनिन में रिलीज होता है, प्रो रेनिन लिखो आप, प्रो रेनिन, अभी बताऊंगा क्यों, प्रो रेनिन आर ई डबल एन आई एन। एक और होता है रेनिन जिसमें सिंगल एन होता है, वो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, अब दूसरा है पेप्सिनोजन, इसमें लिख दो अडल्ट, ये अडल्ट के अंदर सीक्रेट होता है, बड़ों के अंदर होता है, और ये किसके अंदर होता है, चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? अब ये है क्या सर, देखो पहले बच्चों आपको ना जाइमोजन, देखो जाइमोजन, जाइमोजेनिक क्या होता है, जाइमोजन बच्चों, जाइमोजन बोलते हैं इनएक्टिव एंजाइम या इनएक्टिव प्रोटीन को, जाइमोजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जाइमोजन। पहचान क्या होती है सर, देखो अगर किसी भी एंजाइम के किसी प्रोटीन के सामने प्रो लगा हो या पीछे जन लगा हो तो उन दोनों को इनएक्टिव मान लेना, यानी कि सर ये दोनों जो होती हैं इनएक्टिवली सीक्रीट होते हैं, ये जब सीक्रीट होते हैं तो इनएक्टिव होते हैं, इन्हें एक्टिव कौन करता है, एचसीएल, एचसीएल को कौन सीक्रीट करता है, ऑक्सेंटिक और पैराइटल सेल, पहला ये क्या सीक्रीट करती है, एचसीएल, और दूसरा वही इंट्रिंसिक फैक्टर जो हमने अभी फंक्शन में पढ़ा, कैसले इंट्रिंसिक फैक्टर, तो पेप्टिक सेल ने एंजाइम सीक्रीट किए बच्चों के अंदर प्रोरेनिन और बड़ों के अंदर पेप्सिनोजन। ठीक है भाई, बड़ों के अंदर पेप्सिनोजन सीक्रीट होता है, प्रोरेनिन बंद हो जाता है, आफ्टर एक्टिवेशन क्या होता है, इसका नाम बन जाता है रेनिन और इसका नाम बन जाता है पेप्सिन, इन दोनों को एक्टिव कौन करता है, ये एचसीएल, कौन करता है, एचसीएल, समझ आया। और तीसरी है बच्चों हमारी म्यूकस सेल और गोबलेट सेल, ये क्या सीक्रीट करते हैं, म्यूकस, लार, म्यूकस लार सीक्रीट करती है, ये लार जो है हमारे स्टमक की दीवारों के ऊपर चढ़ जाती है, कवर कर लेती है, म्यूकस कवर कर लेता है, जिससे कि जो बर्निंग एक्शन है एचसीएल का वो भी हमारे स्टमक की दीवारों को अफेक्ट नहीं कर पाता, समझ आया, ये तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। ये क्या बोल रहे हो भाई निशांत, थैंक यू, तुम क्यों किसे कर रहे हो, पढ़ो भाई, मैं फिर से म्यूट कर देता हूं, जो कोई क्वेश्चन है तो डाल दो भाई, अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में डाल दो, अभी मैं दो मिनट लूंगा, सबके क्वेश्चन बता दो, ठीक है ना। चलिए तो समझ आया बच्चों, ये कहां प्रेजेंट होती है, ये स्टमक की लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बच्चों गैस्ट्रिक जूस तीन तरह के सेल्स करती है, पेप्टिक सेल जिन्हें चीफ सेल भी कहा जाता है, जाइमोजेनिक सेल भी, ऑक्सेंटिक सेल जिन्हें पैराइटल सेल बोलते हैं, म्यूकस सेल जिन्हें गोबलेट सेल भी बोलते हैं, ये सिक्रीशन मैंने आपके सामने लिख दी, समझ आ गया, क्लियर। चलिए तो बच्चों हमारे पास 10 मिनट बचे हैं, अभी हम आगे स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यू करें या आपके डाउट्स लें। चलिए आज हम क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को कल करेंगे, क्योंकि 10 मिनट में नहीं होगा कंप्लीट, ठीक है, काफी लेंथी टॉपिक है वो भी, बेसिकली मैं रफली सा बता दूं अगर आपको तो मजा नहीं आएगा बच्चों, हम कल डिटेल में ही करेंगे अच्छे तरीके से, जब हम सारा बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो ये भी हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, चलिए मेरे साथ लिखिए, हो जाएगा, हम 10 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे क्लास आज, यस और नो, 10 मिनट एक्स्ट्रा क्लास ले लूं बच्चों आपकी, बताओ यस और नो, यस सर, और कोई, ठीक है 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगी क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, चलो ठीक है, ठीक है ठीक है, चलिए करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो बच्चों फटाफट से, हेडिंग बनाओ, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स हम कवर करेंगे इसके अंदर।
ठीक है, चलो बनाओ फटाफट से स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन वो पाइप है बच्चों, देखो पहला पॉइंट समझो केवल, स्मॉल इंटेस्टाइन वो पाइप है जो स्टमक से शुरू होती है, स्टमक के पाइलोरिक रीजन से शुरू होती है और लार्ज इंटेस्टाइन के पहले रीजन यानी कि सिकम के साथ जाकर के जुड़ती है, ठीक है ना। ये क्या होती है, लगभग 6 मीटर लंबी पतली, लिखो थिन, लिखो क्या होती है, नैरो, नैरो है, 6 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर लॉन्ग क्यूब है, 6 मीटर, 6 मीटर्स लॉन्ग क्यूब। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आपको बताऊंगा, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सर लॉन्गेस्ट पार्ट है तो इसका नाम स्मॉल क्यों है, क्योंकि बच्चों लॉन्गेस्ट जो है ना, ये जो सबसे लंबी है वो लेंथ वाइज है, अरे भाई 9 मीटर के आसपास पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है, जिसमें से 6 मीटर तो कौन है, अकेली स्मॉल इंटेस्टाइन, तो सबसे लंबी हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना। लेकिन आप इसके आप पॉइंट नोट करो, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर इज शॉर्टर देन इसके कंपैरिजन में लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लेकिन अगर लेंथ की बात करें, लेंथ इज लार्जर देन लार्ज इंटेस्टाइन। अब समझ आया, क्लियर हो गया। ये पतली पाइप होती है, नैरो होती है, नैरो, ठीक है ना, और वो देखने में मोटी होती है, इसीलिए वो लार्ज इंटेस्टाइन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बच्चों हाईली कोइल्ड होती है, यानी कि कोइल्ड होकर के पैक होती है, ये समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। और कहां से शुरू होती है, स्टमक से शुरू होती है, कहां से शुरू होती है, स्टमक से शुरू होती है, ठीक है, क्लियर। चलो तो अभी शुरू करते हैं। अब देखो ये मैंने बच्चों बना दिया स्टमक, देखो ध्यान से देखना, ये मैं फिर से क्या बना रहा हूं, ये स्टमक बना दिया, छोटा सा ही बना रहा हूं, ये लो स्टमक से निकली इंटेस्टाइन, ये निकली स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से स्ट्रेट एक कर्व लेती और फिर जा करके ये इस तरह से क्या करती है, मैंने डायग्राम में बच्चों आपको बना करके दिखाया था बहुत अच्छे, ये देखो इस तरह से एक कर्व ले लेती है और कर्व लेने के बाद क्या करती है, ये कोइलिंग शो करती है, क्या करती है, कोइलिंग शो करती है, ठीक है ना। और कोइलिंग शो करने के बाद फाइनली ये किसमें ऐड हो जाती है, जाकर के सिकम, जो किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का, उसमें जाकर के क्या होती है, ये अटैच हो जाती है, ठीक है ना। फिर ये इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर जाएगी, ठीक है ना, और ये फाइनली नीचे। तो देखो देखने में मोटी कौन लगी, बड़ी कौन लगी आपको, लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन लेंथ वाइज कौन बड़ी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, देखो पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटा सा पॉइंट है, कोई बड़ा पॉइंट नहीं, पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, नंबर 1 ड्यूडेनम, पहला पार्ट क्या है बच्चों, ड्यूडेनम, लिखो DUO, नंबर 1 पार्ट्स, नंबर 1 DUODENUM, ड्यूडेनम। नंबर 2 सेकेंड पार्ट जो है बच्चों, ड्यूजेनम, JEJUNUM, ड्यूजेनम। और थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट क्या है बच्चों, ईलियम, ईलियम। 3 पार्ट हो गए। देखो ड्यूडेनम पता कौन सा पार्ट है, ये जो स्टमक से निकला और ये जो सी शेप में गया, सबसे छोटा पार्ट होता है ड्यूडेनम। कौन सा पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट,
फर्स्ट पार्ट कह सकते हो, मैं लिख रहा हूं फर्स्ट शॉर्ट पार्ट यू शेप, सॉरी सी शेप, सी शेप्ड। लेंथ कितनी होती है? लेंथ होती है बच्चों इसकी 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए ये आपको है ना, ये जो बिल्कुल कर्व लेकर के गई जिसमें कोई कॉइलिंग नहीं है और विदाउट कॉइलिंग, आप लिख दो इसको विदाउट कॉइल, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, तो सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन, शॉर्ट होता है, सी शेप होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है और विदाउट एनी कॉइलिंग होता है, ठीक है ना। अब जो मेजर पॉइंट है बच्चों इसका वो क्या है, ये रिसीव करता है, ये ड्यूडेनम जो है यहां पर देखो, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, यहां पर हेपेटोपैंक्रियाटिक एंजियोला था ना, जिससे हेपेटोपैंक्रियाटिक डेथ आई, कहां से आई थी, लीवर से और पैंक्रियास, तो इसीलिए आप यहां लिखेंगे ड्यूडेनम रिसीव्स, लिखो मेरे साथ रिसीव्स हेपेटो पैंक्रियाटिक डेथ फॉर्म बाय द लीवर एंड पैंक्रियास, क्योंकि हेपेटिक वर्ड किसका है, लीवर का, हेपेटो पैंक्रियाटिक डेथ, ये रिसीव करता है हेपेटो पैंक्रियाटिक डेथ, ठीक है ना, क्लियर। चलिए ड्यूडेनम क्या है, सेकंड पार्ट, फर्स्ट की जगह क्या आ गया, सेकंड, ठीक है बच्चों, कोइल्ड पार्ट है, कोइल्ड कोइल्ड पार्ट है, ठीक है ना, कोइलिंग स्टार्ट हो गई है यहाँ, और कितना लंबा है ये, लिखो मेरे साथ बच्चों 2.4 मीटर्स लॉन्ग, 2.4 जो है ये मीटर लंबी है, ठीक है ना, और क्या करती है ये, इसकी जो दीवारें हैं ड्यूडेनम की, थिकर वॉल्स, मोटी वॉल है, THICKER, थिकर वॉल्स, इन कंपैरिजन थिकर प्लस, थिकर वॉल प्लस, और क्या है, हाईली वेस्कुलर, वेस्कुलर, हाईली वेस्कुलर वॉल, थिकर प्लस हाईली वेस्कुलर वॉल है इसकी, वेस्कुलर का मतलब है बच्चों ब्लड सप्लाई, वेस्कुलर का मतलब है ब्लड सप्लाई, और थिकर का मतलब है कि मोटी है, ठीक है बच्चों, एक सेकंड के लिए आप वेट करेंगे, एक सेकंड बस, ठीक है बच्चों, तो यानी कि ड्यूडेनम की जो वॉल्स है वो मोर थिकर एंड मोर वेस्कुलर देन द इलियम, समझ आ गया, ज्यादा मोटी होती है और हाईली वेस्कुलर होती है, किसके कंपैरिजन में, इलियम के कंपैरिजन, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं इलियम की, इलियम जो है सबसे लास्ट पार्ट है, सबसे लास्ट पार्ट है किसका, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये क्या होती है, ये हाईली कोइल्ड होती है, ये हमने कोइल्ड लिखा ना, तो सबसे ज्यादा कोइल्ड पार्ट कौन होता है, सबसे पहली बात तो है थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है ना, तीसरा पार्ट है, उसके बाद लॉन्गेस्ट सबसे लंबा पार्ट है, समझ आ रहा है ना बच्चों, क्लियर है, ठीक है, यस और नो, फटाफट से बताओ, बस 5 मिनट का और रह गया, 7:30 तक तो हमारा टाइम था ही, 5 मिनट और एक्स्ट्रा लेंगे, यस और नो, जल्दी जल्दी बताओ जल्दी, चलिए ठीक है, ओके, यानी कि हमारा तीसरा और लास्ट पार्ट है इलियम, सेकेंड पॉइंट है लॉन्गेस्ट पार्ट, सबसे लंबा पार्ट यही है, कितना है लंबा, 3.6 मीटर, कितना, 3.6 मीटर इसकी लेंथ है, और एक और लिखो बच्चों, इट इज हाईली कोइल्ड, ये देखो सिंपली कोइल्ड था, कोइल्ड ये भी है लेकिन ये हाईली कोइल्ड, क्या है, मोर कोइल्ड लिख लो, हाईली कोइल्ड लिख लो, ठीक है बच्चों, ये यहां पर क्या है, मोर कोइल्ड और हाईली कोइल्ड है, उसके बाद जैसे इसकी वॉल थिकर थी ना, तो लिखो वॉल्स ऑफ इलियम इज थिनर एंड लेस वेस्कुलर देन ड्यूडेनम, नेक्स्ट पॉइंट, वॉल्स ऑफ इलियम, वॉल्स ऑफ
हीलियम इज थिनर एंड लेस वेस्कुलर देन ह्यूजन। समझ आ गया, यानी कि इसकी ज्यादा थिकर है, मोटी है, इसकी पतली है, इसके पास ब्लड सप्लाई ज्यादा है, वेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड सप्लाई, इसके पास ब्लड सप्लाई थोड़ी सी कम है, ठीक है ना, किसके कंपैरिजन में, ह्यूजेनम के कंपैरिजन। समझ आ गया। अब आप नोट डालेंगे बच्चों और दो पॉइंट लिखेंगे छोटे छोटे, ठीक है। क्या है पहला पॉइंट, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन कहां से शुरू होती है, ड्यूडेनम से। ड्यूडेनम कहां से शुरू, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हुई ड्यूडेनम, लिख लिया। अब ड्यूडेनम कहां से शुरू हुई, दैट इज अ पाइलोरिक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक। और यहां पर एक स्फिंक्चर था, पढ़ा था हमने कौन सा, पाइलोरिक स्फिंक्चर पढ़ा था ना, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एक स्फिंक्चर लगा हुआ है, पाइलोरिक स्फिंक्चर। चलिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट क्या है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट क्या है, दैट इज द इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है इलियम, ठीक है ना। इलियम अब किससे जुड़ता है, जाकर के इलियम जुड़ता है लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट से, जिसका नाम क्या है बच्चों, सिकम। किसका नाम है, सिकम, CAECU। ये कौन है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, ठीक है ना। तो जहां पर देखिए, अब ये कौन हो गया, ये ब्लैक पेन से मैं खत्म कर रहा हूं, इलियम, यहां बैठो बैठो, ये लास्ट पार्ट है, दैट इज द इलियम। और ये स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, ब्लू कलर से जो मैं बना रहा हूं, दैट इज द सिकम। तो यहां पर जंक्शन बन गया, उस जंक्शन का नाम क्या होगा, इलियोसिकल जंक्शन। क्या बन गया, नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच विद द लार्ज इंटेस्टाइन बाय इलियोसिकल जंक्शन। बढ़िया पॉइंट बन गया ना, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अटैच विद द लार्ज इंटेस्टाइन, विद द लार्ज इंटेस्टाइन बाय इलियो सिकल जंक्शन, सही है। यहां पर स्मॉल, ये किसका पार्ट है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है ना, और ये सिकम जो है, ये किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। समझ आया ना बच्चों, दोनों आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया, इलियोसिकल जंक्शन बन गया, ठीक है। यहां पर भी एक वॉल प्रेजेंट होती है, यहां पर भी एक वॉल और स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, इलियोसिकल वॉल, इलियोसिकल वॉल, ठीक है। जो क्या करेगी, जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा, उसकी बैक फ्लो को रोक। समझ आया, क्लियर हो गया। तीन पॉइंट और रह गए बच्चों, और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, यहां तक समझ आया, इलियोसिकल जंक्शन और इलियोसिकल वॉल, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, के जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, तीन पॉइंट रह गए हैं बच्चों केवल छोटे छोटे से, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके इनर सरफेस पे, इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिस तरह स्टमक के अंदर ट्रांसवर्स रिंग थी ना, सॉरी फोल्ड्स प्रेजेंट थे, ठीक उसी तरह यहां पर भी क्या है, सर्कुलर फोल्ड होते हैं। इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज सर्कुलर फोल्ड, है परमानेंट सर्कुलर फोल्ड्स, उनको क्या बोलते हैं, जिन सर्कुलर फोल्ड का नाम है, क्या है बच्चों, पढ़ा हो तो बताओ आप फटाफट से, दैट आर द प्लीके सर्कुलरिस। क्या नाम है, प्लीके, PLICAE, प्लीके सर्कुलरिस, CIRCULARIS, सर्कुलरिस। समझ आया,
दैट इज अ प्लीके सर्कुलरिस, सर्कुलरिस कैसे होंगे देखो बच्चों, अगर ये पाइप है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसके अंदर इस तरह से ये फोल्ड होते हैं, दीज आर द प्लीके सर्कुलरिस, समझ आ गया, दीज आर द प्लीके सर्कुलरिस, क्लियर हो गया, ठीक है, यानी कि इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इसके पास सर्कुलर फोल्ड होते हैं जो प्लीके सर्कुलरिस होते हैं, और ये सबसे ज्यादा डेवलप कहां होते हैं, लिखो मोर डेवलप्ड इन, वैसे तो सारी में ही होते हैं, इन जुजेनम, जुजेनम में सबसे ज्यादा ये डेवलप होते हैं, ठीक है। अब लास्ट दो पॉइंट हो रहे बच्चों हमारे, एक हो गया कंप्लीट, दो हो रहे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, लीके सर्कुलरिस हो गया, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन है सबसे अंदर वाली, जो हमने पढ़ा था अभी, म्यूकस मेम्ब्रेन सबसे अंदर वाली, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन पर क्या होती है, प्रोजेक्शंस होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, क्या होती है, प्रोजेक्शंस, इन प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, विली, क्या होती है, विली, VILLI, विली, ये विली क्या करती है, ये विली बच्चों एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाती है, जैसे सपोज करो एक पाइप है, अब ये मान लीजिए मेरा हाथ एक पाइप है, इसके अंदर ये जो फोल्ड आपको दिख रहे हैं दैट आर द प्लीके सर्कुलरिस, लेकिन इसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, देखो इस तरह से, अगर मान लो ये एक पाइप है, ठीक है, तो इसके अंदर ही मैंने काट लिया इसको, अभी देखो यहाँ इस तरह से क्या होते हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दीज आर द विलाई, तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आए ये बन गई विलाई, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया, ठीक है ना, दीज आर द विलाई, और ये विलाई जो होती है इनके पास क्या क्या होता है आप लिखेंगे मेरे साथ, विलाई कंटेन दो चीजें यहां पर, नंबर वन ब्लड वेसल, ठीक है, और ब्लड वेसल्स के साथ साथ इसके पास होते हैं लैक्टील्स, खत्म हो गया, तो दो मिनट करेंगे, अब ब्लड वेसल तो आपको बताइए ब्लड के बने होंगे, ब्लड होगा इनके अंदर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, और जो लैक्टील्स होते हैं ये होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम से, इनके लिम्फ वेसल, जो आपने लिम्फ पढ़ा होगा, लिम्फ सुना होगा, That are the lymphatic tissue. Lymph होता है इनके अंदर, LYMPH. क्योंकि फैट की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो लिम्फ में होती है, ब्लड में नहीं होती, ठीक है, तो विलई होगी। अब आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि जो विली होती है, विली के सरफेस पे फर्दर स्मॉल प्रोजेक्शन होती है जिनको बोलते हैं माइक्रोविले, विली के सरफेस पे, मान लो ये विलई बना दी मैंने, ये विली बना दी, ठीक है ना, इसके सरफेस पे फिर से क्या होती है, इस तरह से प्रोजेक्शंस निकली होती है, इस तरह मैं बाद में कराऊंगा आपको, इनको बोलते हैं माइक्रोविली, ये हो गया विली और ये हो गई माइक्रोविली, ठीक है, इन दोनों का काम क्या होता है, इन दोनों का काम ही सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है एब्जॉर्प्शन के लिए और डाइजेशन के लिए, समझ आ गया, ठीक है। अब हम छोटा सा एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट पढ़ते हैं कि ये विली किस शेप में होती है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट है, आप हेडिंग बनाओ शेप ऑफ विली, ठीक है, अब हमारे तीन पार्ट है, कौन कौन से, पहला पार्ट ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट जुजेनम और तीसरा पार्ट इलियम, ठीक है ना, तो ड्यूडेनम के अंदर ये जो विली है ये होती है लीफ शेप, ठीक है, और जो जुजेनम है इसमें बच्चों होती है टंग शेप, और इलियम के अंदर जाते जाते ये कैसी रह जाती है, फिंगर शेप, समझ आ गया, ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो गया जिसमें आपको याद रखना है कि कौन कौन सी टाइप शेप हमारे कहां कहां पर प्रेजेंट
होती है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब लास्ट पॉइंट हमारा आज का, जिसका नाम है पेयर्स पैचेस। क्या नाम है? पेयर्स पैचेस। लास्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, हेडिंग बनाओ PAYER apostrophe S, पेयर्स पैचेस। क्या नाम पॉइंट है हमारा? PAYER apostrophe S, पेयर्स पैचेस। क्या होते हैं पेयर्स पैचेस? ये बच्चों व्हाइट कलर के, व्हाइट कलर के पैच होते हैं, व्हाइट कलर पैचेस जो कहां होते हैं, व्हाइट कलर के जो पैच होते हैं ये स्मॉल, छोटे होते हैं बेसिकली, स्मॉल इन साइज होते हैं, स्मॉल साइज, छोटा इनका साइज होता है, जो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये है कौन? ये है बच्चों लिम्फोइड टिश्यू। क्या है ये? लिम्फोइड टिश्यू है, LYMPHOID, लिम्फोइड टिश्यू। ये लास्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, ध्यान से देखेंगे, लिम्फोइड टिश्यू है ये। लिम्फोइड टिश्यू का काम क्या होता है? लिम्फोइड टिश्यू का बच्चों काम होता है फाइट करना, कहीं भी लिम्फेटिक सिस्टम इनके इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये बच्चों इन्फेक्शन से फाइट करने में करते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे लिम्फेटिक टिश्यू क्या करेंगे, फाइट्स विद किसके साथ? इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन या इन्फेक्शियस एजेंट के साथ क्या करते हैं? फाइट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक, जो कंप्लीट हो गया। बस हमने इसमें आपको क्या नहीं बताया, लास्ट पॉइंट नहीं बताया, जो है फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके दो ही फंक्शन है बच्चों, पहला कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कराती है, मैक्सिमम डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। दूसरा, ये कुछ एक हॉर्मोन भी सिक्रीट करती है। तो बच्चों ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप क्या करेंगे, आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में कल पहले के कौन कौन से हॉर्मोन ये सिक्रीट करती है। नहीं मिल पाया तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन पहले आप लोग करके आए, क्लियर हो गया। रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगी, अभी तो कंप्यूटर ऑपरेटर घर चले गए होंगे, ठीक है, कल आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और इस टॉपिक को आप दोबारा से अपने नोट्स में प्रिपेयर कर सकते हैं रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही, दो टॉपिक हमारे कवर हो गए, कौन कौन से, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन।